नमस्कार, मैं शिवांगी, आप देख रहे हैं जेएमडी खबर। अलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ने अजान से नींद में खलल पड़ने का मुद्दा उठाया है। वाइस चांसलर संगीता श्रीवास्तव ने इसकी शिकायत पुलिस और जिला प्रशासन से की है। वीसी ने कमिश्नर, आईजी और एसएसपी समेत कई अधिकारियों को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लाउडस्पीकर पर अजान होने से उनकी नींद में खलल पड़ती है। वीसी ने आगे कहा कि रमजान शुरू होने पर पूरे एक महीने तक रोजाना सुबह लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट होगी, उस वक्त उनकी नींद में खलल और ज्यादा बढ़ जाएगी। संगीता श्रीवास्तव ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का हवाला भी दिया। उन्होंने अपनी चिट्ठी में सांसद अफजाल अंसारी केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट से आया आदेश का हवाला दिया है। बता दें कि वीसी संगीता प्रयागराज के पौश इलाके सिविल लाइन्स में रहती हैं, उनके घर के पास में ही मस्जिद है। वीसी संगीता श्रीवास्तव के पति जस्टिस विक्रम नाथ गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। वहीं मौलाना सुफियान निजामी ने वीसी संगीता के पत्र की निंदा की है। उन्होंने कहा, देश में जहां मस्जिदों में नमाज होती है तो वहीं मंदिरों में कीर्तन होता है। होली पर डीजे बजाया जाता है, उससे उनको परेशानी नहीं होती है, सिर्फ मस्जिदों की अजान से उनकी नींद में खलल पड़ता है। इससे लगता है कि वीसी संगीता का पत्र साजिश और षड्यंत्र का नतीजा है। देखिए, हम सब जिस मुल्क में रहते हैं, ये मुख्तलिफ मजहब के मानने वालों का मुल्क है, यहाँ पर मुख्तलिफ त्यौहार भी मनाए जाते हैं। जहाँ मस्जिदों से अजानों की आवाज़ आती है, वहीं पर मंदिरों से भजन और कीर्तन की आवाज़ आती है, और कोई भी मुसलमान इन तमाम चीज़ों पर एतराज़ नहीं करता है। होली के मौके पर बड़ी तादाद में डीजे का इस्तेमाल होता है। जिस शहर से हमारे कुलपति साहब ने ये लेटर लिखा है, वहाँ पर कुंभ के मौके पर कसीर तादाद में लाउड स्पीकर का भी इस्तेमाल होता है और रास्तों को भी बंद किया जाता है, लेकिन कोई भी मुसलमान कभी भी किसी भी सूरत में इन तमाम चीज़ों पर कोई एतराज़ नहीं करता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि एक सोची समझी साजिश के तहत, एक नॉन इशू को इशू बनाने के तहत ये काम किया गया, ये पत्र लिखा गया है। वहीं दूसरी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां पर योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर पुलिस ने मुठभेड़ में मारे गए अपराधियों का आंकड़ा जारी किया है। बीते 4 सालों में यूपी में पुलिस मुठभेड़ में 135 अपराधी मारे गए। योगी सरकार ने 4 साल में पुलिस कार्रवाई का आंकड़ा जारी किया। साल 2017 में 28, साल 2018 में 41, साल 2019 में 34, साल 2020 में 26 और 2021 में 6 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, अलीगढ़ और आजमगढ़ में सबसे ज्यादा पुलिस मुठभेड़ में अपराधी मार गिराए गए। लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दुबई से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे 2 यात्रियों के पास से 45 लाख से ज्यादा का सोना एवं चांदी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि यात्रियों के पास से 949 ग्राम सोना और 353 ग्राम चांदी बरामद हुई है। बरामद सोने और चांदी की कुल कीमत 45,17,834 रुपए है। एक यात्री ने चांदी के साथ मिश्रित सोने को बिडिंग के रूप में डालकर ट्रॉली बैग में छुपाकर एवं सोने को रेडियम पॉलिश के साथ बेलना के रूप में डालकर छुपाया था। दूसरे यात्री ने सोने को मिक्सर ग्राइंडर की मोटर में छुपाकर लाया था। अधिकारियों ने बरामद सोने को सीमा शुल्क के प्रावधानों के तहत जब्त कर 2 यात्री को गिरफ्तार किया है। एक तरफ जहां सरकार भूमाफियों पर लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ बलिया जिले में भूमाफियों के इरादे और भी बुलंद होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 5 साल पहले एक मानसिक रूप से बीमार बुजुर्ग के गायब होने की खबर आई थी, जिसके नाम पर करोड़ों की जमीन भी है। परिजन लगातार बुजुर्ग की तलाश करते हैं, उसके बाद रसड़ा थाने में उसकी शिकायत दर्ज कराते हैं। बुजुर्ग का भतीजा मिथिलेश सिंह की माने तो अचानक सालों बीतने के बाद एक दिन उसके लापता चाचा के जमीन पर कुछ लोग कब्जा करने की नीयत से आते हैं, जिसके बाद पता चलता है कि जमीन फर्जी तरीके से भूमाफियाओं के द्वारा रजिस्ट्री कर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके बाद पीड़ित परिजन भूमाफियाओं के खिलाफ अपने चाचा को अगवा करने, जान से मारने और फर्जी तरीके से जमीन कब्जा करने के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हैं। इसी बीच लापता बुजुर्ग के बलिया रसड़ा थाने में होने की सूचना मिलती है। घर वालों का आरोप है कि रसड़ा थाने के कोतवाल को मामले की विवेचना सौंपी गई है, लेकिन पुलिस परिजनों को बुजुर्ग से मिलने तक नहीं दे रही।
पीड़ित भतीजे की माने तो चाचा मानसिक रूप से कमजोर है और उनकी शादी भी नहीं हुई है, जिसका फायदा उठाकर कुछ भूमाफियाओं ने चाचा को अगवा कर फर्जी तरीके से उनकी जमीन को कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। वही मामले की विवेचना रसा थाने के कोतवाल पर भूमाफियाओं के साथ मिली भगत होने की आशंका जताई है, जिसे लेकर पीड़ित ने बलिया एसपी से मुकदमे से संबंधित विवेचना अधिकारी बदलने की अपील की है। लापता बुजुर्ग को आज रसड़ा पुलिस न्यायालय लेकर आई, जहां पुलिस ने परिजनों से मिलने तक नहीं दिया। पीड़ित की माने तो जिन पर भूमाफियाओं पर मुकदमा दर्ज है वो पुलिस के साथ घूम रहे हैं, जिन्हें न्यायालय में देखा गया है। सर, मेरा ये मामला है सर कि मेरे चाचा जो हैं चंद्रमान सिंह मंद बुद्धि के हैं, वो उनकी शादी वगैरह नहीं हुई थी, उनके पास करोड़ों की संपत्ति है और उस संपत्ति के लालच में कुछ लोग उनको अगवा करके यहाँ से हमारे गांव रसड़ा थाना से उठा ले गए थे उनको जी। और बहुत खोजबीन छानबीन करने के बावजूद नहीं मिले। बाद में उनको जब ज़मीन रजिस्ट्री सब करा लिए वो, उसके बाद जब वो ज़मीन पर घेराबंदी के लिए आए तब हम लोग को मालूम हुआ कि ज़मीन रजिस्ट्री करा लिए हैं। उसके बाद हमने गुमशुदगी का रिपोर्ट वगैरह सब दर्ज कराया, इसमें पेपर में भी निकलवाया, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं चला। 156 के तहत हम लोगों ने मुकदमा कायम किया, मुकदमे में वो लोग हाजिर किए हैं, यहाँ पर लाए हैं। कौन आया है, कौन है वो लोग? वो लोग जो हैं कोतवाल साहब हैं, उसमें जो लेकर के आए पुलिस के कस्टडी में आए हैं, और विपक्षी पार्टी जो है लव सिंह। उत्तर प्रदेश में साधुओं की हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बड़ी खबर आगरा से है, जहां पर हत्यारों ने साधु की हत्या कर दी। न्यू आगरा थाना क्षेत्र के मऊ रोड खंडारी क्षेत्र में कुल्हाड़ी से मारकर साधु की निर्मम हत्या कर दी गई है। साधु की सनसनीखेज हत्या से क्षेत्रीय लोगों में दहशत का माहौल है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए जेएमडी खबर के साथ। नमस्कार।